सुनसान जगह पर तीन लोगों ने उसे रोक लिया। वो जबरन उसे पास के एक खेत में ले गए। जब वो बेहोश हो गई तो वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए। जब उसे होश आया तो वो किसी तरह घर पहुँच गई। उसके पिता ने बताया कि जब वो घर पहुँची तो खून में लथपथ थी। जय भीम, मैं हूँ जिया कुमारी। आज मैं एक और घटना पे बात करूंगी जो घड़ी बिहार के समस्तीपुर जिले में एक कपड़े की दुकान पे काम करने के बाद घर लौट रही 17 वर्षीय दलित लड़की का सोमवार की रात कथित रूप पर अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। गंभीर रूप से घायल पीड़िता बाद में किसी तरह घर पहुंची। उसके माता पिता जल्दी से उसे पास में एक हॉस्पिटल ले गए। घटना सोमवार की रात उस समय हुई जब लड़की काम के बाद 8:15 बजे अपने घर वापस जा रही थी। सुनसान जगह पर तीन लोगों ने उसे रोक लिया। वो जबरन उसे पास के एक खेत में ले गए। जब वो बेहोश हो गई तो वो उसे छोड़कर वहां से भाग गए। जब उसे होश आया तो वो किसी तरह घर पहुंच गई। उसके पिता ने बताया कि जब वो घर पहुंची तो खून में लथपथ थी। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया और लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है जबकि दो फरार हैं। सीपीएम एमएलए अजय कुमार ने लड़की से हॉस्पिटल में मुलाकात की और न्याय दिलाने की भी बात की। अजय कुमार ने मीडिया से कहा कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अपराधियों में ना तो कानून का डर है ना ही पुलिस का। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था पर अपना कंट्रोल खो दिया है। आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिया कुमारी 33 और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं jia.kumari37। मेरे वीलॉग्स को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस पेज को भी फॉलो कर दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। जय।